Good morning students of standard 2nd. Today we go through our GK book. Okay, so open your GK book, chapter number 1, that is my family, on page number 3. मेरी फैमिली, ठीक है। मेरी फैमिली में कौन कौन है? माई सेल्फ मतलब मैं खुद, फिर फादर मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, ग्रैंड फादर दादाजी, ग्रैंड मदर दादी जी, अंकल चाचा एंड आंट चाची। ओके, ये है मेरी फैमिली। आपके फैमिली में कौन कौन है, ठीक है, वो आपको बोलना है। फिर है यहाँ फैमिली के मेंबर्स को किस तरह से आप समझोगे। फादर्स फादर इज कॉल्ड ग्रैंड फादर। पापा के पापा, इसको हम क्या कहेंगे, दादाजी। फादर्स मदर, पापा की मम्मी, उसको हम कहेंगे ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी। मदर्स फादर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड फादर। मदर्स फादर, मम्मी के पापा को क्या कहेंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर मीन्स नाना। मदर्स मदर, मम्मी की मम्मी, उसको हम क्या कहेंगे, मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स नानी। फादर्स ब्रदर, पापा के भाई को क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड अंकल। अंकल मतलब काका। अंकल्स वाइफ मतलब काका की वाइफ को क्या कहेंगे, अंकल्स वाइफ इज कॉल्ड आंट मीन्स काकी, आंटी, चाची, आप जो कुछ भी बोलते हो वो। अंकल्स चिल्ड्रन आर कॉल्ड कजिन्स। अंकल के जो बच्चे हैं वो हमारे कजिन्स कहलाए जाते हैं। फादर सिस्टर, पापा की बहन को इज कॉल्ड आंट मीन्स आंट कहा जाता है, हम बोलते हैं फुई, राइट। मदर्स ब्रदर, मम्मी के भाई को क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मीन्स मामा। मदर सिस्टर, मम्मी की बहन को क्या कहेंगे, मैटरनल आंट मीन्स क्या कहेंगे, मौसी। ओके, अगेन पापा के पापा को ग्रैंडफादर मतलब दादा, पापा की मम्मी को ग्रैंड मदर मीन्स दादी, मम्मी के पापा को ग्रैंडफादर नाना, मम्मी की मम्मी को मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स नानी, फादर के ब्रदर को, पापा के भाई को अंकल, और अंकल की वाइफ को हम कहेंगे आंट, अंकल के बच्चे को कहेंगे हमारे कजिन्स, पापा की सिस्टर को कहेंगे आंट, मदर के ब्रदर, मदर्स ब्रदर मीन्स मम्मी के भाई को कहेंगे मैटरनल अंकल मामा, मम्मी की सिस्टर को मदर सिस्टर, उसे कहेंगे मैटरनल आंट मीन्स मौसी। यहाँ आपको वर्कआउट करना है, माय नेम इज आपका नाम, माय फादर्स नेम इज पापा का नाम, माय मदर्स नेम इज मम्मी का नाम, माय ब्रदर्स नेम इज भाई का नाम, माय सिस्टर्स नेम इज बहन का नाम, माय ग्रैंड फादर्स नेम इज दादा का नाम, माय ग्रैंड मदर्स नेम इज दादी का नाम, माय अंकल्स नेम इज काका का नाम, माय आंट्स नेम इज आंटी का नाम। ठीक है, तो ये आपको ब्लैंक्स फिलअप करनी है अपने आप से, घर के एक एक मेंबर के पास जाके आप उसके नेम्स को यहाँ पे लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, जीके में ये एक ही चैप्टर आपको वर्कआउट करना है, इसके साथ साथ आपको क्लासवर्क नोट में भी वर्कआउट करना है। ठीक है, देखिए क्लासवर्क नोट में भी आपको इस तरह से प्रिपेयर करके हम देंगे, उसमें भी आपको नेम्स लिखने हैं, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स के। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट दिस वर्क इन योर क्लासवर्क बुक एंड बिग बुक। थैंक यू।